करीब 100 एकड़ जमीन पर तैयार किया गया है। और आपको बता दें, इस बीच के 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 28 से 30 दिसंबर तक चलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र। तो उपचुनाव के ठीक बाद 28 दिसंबर से आरंभ हो रहा है यह शीतकालीन सत्र, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र बुलाने की मंजूरी भी दे दी है। अब विधानसभा सचिवालय में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 पर भी चर्चा होगी। इस सत्र के दौरान उपचुनाव में जीते हुए 28 विधायकों का शपथ ग्रहण भी होगा। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि 28 दिसंबर से बुलाया जा रहा है, 28 से 30 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसकी मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 21 सितंबर को एक दिवसीय सत्र हुआ था, उसके बाद अब 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। और इसमें उपचुनाव में नवनिर्वाचित 28 नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, साथ ही स्पीकर का भी चुनाव होगा। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो उपचुनाव के बाद यह पहला सत्र है शीतकालीन सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र 28 से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ भी बिल पेश करेगी सरकार। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यह सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण है लव जिहाद, जिसके खिलाफ बिल पेश करेगी सरकार। साथ ही जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर का भी चुनाव इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किया जाएगा। तो उपचुनाव के ठीक बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि 28 से 30 दिसंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसकी अनुमति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी है। और इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, जिसमें धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020, लव जिहाद को लेकर जो कानून लाया जा रहा है, जो विधेयक लाया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सत्र के दौरान उपचुनाव में जीते हुए 28 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 28 से 30 दिसंबर तक यह शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, जिसकी अनुमति तो 28 दिसंबर से आरंभ हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है। विधानसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करेगा। सत्र में लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पेश करेगी सरकार। साथ ही 28 नवनिर्वाचित जो विधायक है उनका भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम जानकारी के साथ नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। नीरज, उपचुनाव के ठीक बाद अब ये पहला सत्र है जो कि जिसका आयोजन किया जा रहा है 28 दिसंबर से। निश्चित तौर पर सरकार के लिए महत्वपूर्ण होंगे ये दिन, क्योंकि तमाम ऐसे विधेयक हैं जिस पर अभी तक रोक लगी हुई थी, जो कि इन दिनों में पूर्ण करना होगा सरकार को, जिसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है लव जिहाद को लेकर जो रोकने का विधेयक है वो भी पेश करेगी सरकार। के बाद पहला शीतकालीन सत्र जो है 28 से 30 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा, जिसकी जो परमिशन है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दे दी है। और इस जो शीतकालीन जो सत्र होगा, इसके दौरान जो अभी जो नवनिर्वाचित जो 28 विधायक जो चुने गए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही स्पीकर का भी चुनाव इस सत्र के दौरान किया जाएगा। वहीं नोटिफिकेशन होते ही विस्तृत कार्यक्रम जारी हो जाएगा। इस सत्र के दौरान विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो भी चुना जाएगा। और कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर जो धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 पर इस सत्र के दौरान चर्चा होगी। साथ में नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस प्रकार से
कांग्रेस के शासन, डेढ़ साल का जो कांग्रेस का शासन रहा उसमें जो नगर पालिका के जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से कराने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो वही अब सरकार इसको पलटते हुए इसमें संशोधन करेगी और अब जो प्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगर पालिका के चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो पिछला जो सत्र था वो 21 सितंबर को हुआ था, जिसमें सरकार ने मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 के साथ मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 व अनुसूचित जाति जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक 2020 पारित किया था। अब ये है जो नया सत्र है वो 3 दिन का रहेगा, इसकी अनुमति मिल चुकी है और जल्द से जल्द इसकी जो अधिसूचना वो भी जारी हो जाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो इससे पहले जो सत्र बुलाया गया था एक दिवसीय सत्र रहा और अब एक बार फिर अल्पकालिक ये सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें सरकार किन किन विधेयकों पर चर्चा करेगी, कौन से विधेयक पास होंगे, ये तमाम तैयारियां हैं। विपक्ष की क्या कुछ इसमें भूमिका रह सकती है, किस प्रकार की तैयारियां विपक्ष की नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जब इस पर जो लव जिहाद का जो कानून जो बनाने जा रही है सरकार उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो विवाद की स्थिति बना सकता है। साथ में नगर पालिका अधिनियम जिसमें संशोधन किया जाएगा उसमें भी विपक्ष हंगामा कर सकता है, तो हालांकि देखा जाए तो ये सत्र भी हंगामेदार होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, तो 28 से 30 दिसंबर जो कि मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र है जिसमें 28 जो नव निर्वाचित विधायक है उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, साथ ही स्पीकर का चयन होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 लव जिहाद को लेकर लगातार जो कानून की बात की जा रही है इस विधेयक को पास करने और इस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज। तो आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस सत्र को बुलाने की अनुमति दे दी है और अब इसके लिए तैयारियां सरकार कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि इसमें लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 पर चर्चा होगी और इस सत्र के दौरान उपचुनाव में जीते हुए 28 नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा।